कर्फ्यू क्लासेस विद प्रांजल के सेकेंड वीडियो में आप सबका स्वागत है। आप लोगों को ये सीरीज इतनी पसंद आ रही है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और उससे मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिली है। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले दो इंपॉर्टेंट चीजें। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो, क्योंकि हर वीडियो कंटिन्यूएशन में है, तो यहां पर अब आपके स्क्रीन पर सेकेंड वीडियो दिख रहा है, उस वीडियो को ऊपर कार्ड पे या नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाके क्लिक करके पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि ये वीडियो आपको पूरा पूरा सही समझ में आए। और सेकेंड, कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें पी रेशो में अभी भी थोड़ी डिफिकल्टी हुई, तो फॉर्चुनेटली पी रेशो को और डिटेल में समझाने के लिए मैंने एक पहले से वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को देख के आप पी रेशो को अच्छे से समझ सकते हैं। वीडियो में अभी आपको उस वीडियो का थंबनेल दिख रहा है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है। तो अब चालू करते हैं आज का टॉपिक। कल तक मैंने आपको समझाया मार्केट कैप क्या होता है, पी रेशो क्या होता है, और इन्हें कैलकुलेट कैसे किया जाता है। आज हम डिस्कस करते हैं मार्केट कैप से रिलेटेड, लेकिन मार्केट कैप से ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को, जो है एंटरप्राइज वैल्यू। और ये एंटरप्राइज वैल्यू अब क्या होता है ये जान लीजिए कि ये मार्केट कैप से डिराइव होता है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब कल हमने ये जाना कि मार्केट कैप क्या है। मार्केट कैप एक सिंपल सी चीज है कि प्राइस ऑफ वन शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, ये मार्केट कैप है। यानी अगर आपको कोई कंपनी पूरी खरीदनी है तो वो आपको कितने रुपए दे करके मिल रही है, ये आपको मार्केट कैप बताता है। अब एंटरप्राइज वैल्यू क्या है, इसे एक दुकान के एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि एक दुकान है जिसे आप 100 रुपए में खरीद सकते हैं, तो आपने मुझे 100 रुपए दिए, वो हो गया उस दुकान का मार्केट कैप। एंटरप्राइज वैल्यू में फर्क क्या है कि मैंने आपको बोला कि आप इस दुकान को 100 रुपए में खरीद सकते हैं, लेकिन उस दुकान के अंदर तिजोरी में उस दुकान की 20 रुपए रखे हुए हैं, वो रुपए भी आपके हुए। यानी कि बेसिकली आपको ये दुकान कितने की पड़ी, आपको ये दुकान पड़ी 80 रुपए की, क्योंकि 100 रुपए आपने दिए और 20 रुपए दुकान के अंदर थे जो आपके हो गए, तो आपको वो दुकान पड़ी 80 रुपए की। अब मैं बोलता हूं, लेकिन उस 20 रुपए में से जो तिजोरी में 20 रुपए रखे हुए हैं, उसमें से 10 रुपए एक दोस्त को मुझे देने थे, तो आप 10 रुपए वो दोस्त लेने आएगा उसको दे देना। तो अब मैंने 100 रुपए में दुकान खरीदी, उस दुकान के अंदर 20 रुपए तिजोरी में थे वो मुझे मिले, यानी मेरे को 80 रुपए की दुकान पड़ी, लेकिन अब मुझे 10 रुपए एक जो दुकान का मालिक था उसके दोस्त को देने भी हैं, मुझे वो दुकान पड़ी 80 + 10 यानी कि 90 रुपए की। तो ये 90 रुपए हुआ एंटरप्राइज वैल्यू। एंटरप्राइज वैल्यू ये बताता है कि जो कंपनी आप खरीद रहे हैं वो सच में आपको कितने की पड़ी, या असली में उस कंपनी की कीमत दिख कितनी रही है, जो मार्केट कैप बताता है, और है कितनी, ये एंटरप्राइज वैल्यू बताता है। तो इसका फॉर्मूला एकदम सिंपल है। मार्केट कैप जो 100 रुपए था, उसमें से आपने जो दुकान के अंदर 20 रुपए हैं उसको माइनस कर दिया, यानी दुकान के अंदर जो कैश रखा था उसको माइनस कर दिया, और जो आपको किसी को पैसे लौटाने थे यानी जो कर्जा था उसको प्लस कर दिया। तो मार्केट कैप माइनस कैश प्लस डेट या लोन, ये हो गया एंटरप्राइज वैल्यू। और अब आप ये सोच रहे होंगे ये इतना जरूरी क्यों है, या इतना टाइम देके मैं ऐसे क्यों समझा रहा हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि मार्केट कैप और एंटरप्राइज वैल्यू में कितना डिफरेंस हो सकता है, और एंटरप्राइज वैल्यू कैसे आपको बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करने से बचा सकता है। चलिए एक कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं, एड लैब्स एंटरटेनमेंट। अगर आप जानते होंगे तो एड लैब्स एंटरटेनमेंट वो कंपनी है जो इमेजिका पार्क चलाती है मुंबई पुणे हाईवे के बीच, काफी पॉपुलर है, आप लोगों ने काफी नाम भी सुना होगा इस कंपनी का। अब जरा देखिए इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है, यानी आप इस पूरी कंपनी को कितने रुपयों में खरीद सकते हैं। तो मार्केट कैप दिख रहा है 22 करोड़ रुपए का, यानी आप चाहें तो पूरा एड लैब्स एंटरटेनमेंट, बशर्ते जो जिनके पास अभी शेयर्स हैं जो ओनर्स हैं वो बेचना चाहें, तो लगभग 22-23 करोड़ रुपए में आपको पूरा का पूरा एड लैब्स पार्क, जो मुंबई पुणे हाईवे जैसे अच्छे एरिया में है और पता नहीं कितने एकड़ में फैला हुआ है, वो पार्क आपको 22 करोड़ रुपए में मिल जाएगा, झूलों के साथ सब कुछ के साथ। तो ये कितना सस्ता लगता है, और ये देख के हम ललचा सकते हैं। लेकिन अब इसमें एक दूसरा फैक्टर देखिए कि इसकी एंटरप्राइज वैल्यू कितनी है। एंटरप्राइज वैल्यू है लगभग 1000 करोड़ 1100 करोड़ के आसपास, यानी 22 करोड़ में आपको ये पूरी कंपनी मिल तो जाएगी, लेकिन उसके बाद ये जो 1000 करोड़ से ज्यादा का डेट है, जो 1000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा है, अगर आपने 22 करोड़ देके कंपनी खरीद ली
तो ये कर्जा भी फिर आपको ही पटाना पड़ेगा। इसीलिए एंटरप्राइज वैल्यू हमेशा ज़्यादा काम आती है, क्योंकि ये आपको सच में बताती है कि आपको कितना पैसा ओवर द ईयर्स देना पड़ेगा, ना सिर्फ इक्विटी के फॉर्म में बल्कि कर्जा जो उस कंपनी के लेनदार हैं उनको लौटाने के लिए भी। तो अल्टीमेटली एडलैब्स आपको 1100 करोड़ का पड़ेगा, क्योंकि 1000 करोड़ से ज़्यादा का तो आपको कर्जा चुकाना है। इस तरीके से एंटरप्राइज वैल्यू आपको ब्लंडर्स करने से बचाती है, और इसी तरीके से एंटरप्राइज वैल्यू कई बार आपको बहुत अच्छी कंपनियां भी दिलवाएगी। लेकिन जो भी स्टॉक्स मैं आपको रिसर्च करके दिखा रहा हूँ वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, वो रिकमेंडेशन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बिल्कुल नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कई बार ऐसा, मेरे को पहले भी एक बार एक कंपनी मिली थी और उसने काफ़ी अच्छा मुझे रिटर्न दिया था, और वो सिर्फ और सिर्फ मुझे एंटरप्राइज वैल्यू के कारण मिली थी। यहाँ पे देखिए, मार्केट कैप दिख रहा है लगभग 2800 करोड़ का, लेकिन एंटरप्राइज वैल्यू नेगेटिव दिख रही है। नेगेटिव ऐसा क्यों? अब इसे एक ऐसे एग्जाम्पल से समझिए कि वो जो 100 रुपये वाली दुकान है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मेरी पूरी दुकान 100 रुपये में खरीद सकते हैं, लेकिन उस दुकान की तिजोरी में 120 रुपये रखे हुए हैं, वो 120 रुपये भी आपके, और कोई लोन वोन भी नहीं है उस दुकान पे, आपको किसी को कोई पैसा नहीं देना। तो 100 रुपये में आपने दुकान खरीदी और उस दुकान की तिजोरी में 120 रुपये हैं, तो आपको वो दुकान कितने की पड़ी? आपको वो दुकान -20 रुपीज़ की पड़ी, यानी आपको 20 रुपये उल्टा मिल ही गए, खर्चा कुछ नहीं हुआ, दुकान तो फ्री में मिल गई। कुछ वैसा ही हो रहा है आज इस कंपनी के साथ। देखिए, 2800 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी 2800 करोड़ में आप पूरी कंपनी खरीद सकते हैं, लेकिन इस कंपनी के पास कैश बैंक में और हाथ में कैश ही 5000 करोड़ रुपए का है, और कर्जा कुछ है नहीं। यानी आप 2800 करोड़ रुपए दे के 5000 करोड़ रुपए के मालिक बन सकते हैं, और एंटरप्राइज वैल्यू हुई नेगेटिव। तो यूजुअली ऐसे ब्लाइंडली किसी शेयर की, क्योंकि एंटरप्राइज वैल्यू कम है, जीरो है या नेगेटिव है, तो ब्लाइंडली किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर लेना है। ना ही मैं बोल रहा हूँ कि NBCC में इन्वेस्ट करिए, आपको ये देखना है कि ऐसा क्यों है, क्या कारण है कि इसकी एंटरप्राइज वैल्यू नेगेटिव है। बहुत सारे अदर फैक्टर्स आपको एनालाइज करने हैं जो अगले 19 दिनों में हम सीखेंगे, उसके बाद हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि लेना है कि नहीं। लेकिन हाँ, अगर कोई सरकारी कंपनी हो जो कि NBCC है, उसकी एंटरप्राइज वैल्यू ऐसी नेगेटिव है, कैश बैलेंस अच्छा है, तो पहली झलक में ये कंपनी फर्दर रिसर्च के लायक है, मुझे ऐसी कंपनी में इंटरेस्ट ज़रूर आ जाएगा। तो एंटरप्राइज वैल्यू ब्लंडर्स से बचाता है और कई बार बार्गेन बायर्स ढूंढने में मदद करता है। अब एक और जो बहुत जरूरी कंसेप्ट मुझे आपसे डिस्कस करना है, वो है स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड का। देखिए, अभी आपको एंटरप्राइज वैल्यू दिख रही है -2000 करोड़, पी दिख रहा है 21 का। अब यहां पे एक बटन है जो अभी कंसोलिडेटेड पे है, मैं इसे टच करता हूं और अब ये स्टैंड अलोन पे चला जाएगा, पेज रिफ्रेश होगा और अब एंटरप्राइज वैल्यू पॉजिटिव 1200 करोड़ और पी 21 के बदले 15 का दिख रहा है। तो इसमें क्या फर्क है, ये स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड क्या होता है? देखिए, स्टैंड अलोन मतलब मान लीजिए आपने कोई बिजनेस चालू किया और 2-3 साल आपने खूब अच्छा बिजनेस किया और पैसा कमाया, तो जो आप खुद मेहनत करके सेल्स लाते हैं, पैसा कमाते हैं, जो भी आपकी फाइनेंशियल हालत है आपके खुद के किए हुए काम से, जो आप रोजमर्रा की सेल्स करते हैं, मुनाफा कमाते हैं, वो सब कुछ जो आता है उसे हम कहते हैं स्टैंड अलोन। अब मान लीजिए कि आपने 2-3 साल खूब पैसा कमाया, आपके पास प्रॉफिट्स जमा हो गए थे और उस प्रॉफिट से आपने अपने दोस्त के बिजनेस में थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया और बदले में उससे हिस्सेदारी ले ली और ये कहा कि ये ले 1 करोड़ रुपए में दे रहा हूं, बदले में 20% हिस्सा मेरा, तो जो भी महीने भर में कमाई होगी उसका 20% मुझे देते जाना। तो अब जो आप अपने बिजनेस से कमा रहे हैं वो हुआ स्टैंड अलोन, प्लस जो आपका दोस्त उसके बिजनेस का 20% आपको हर महीने पैसा दे रहा है वो, उसको अगर आप जोड़ दो, वो हो गया कंसोलिडेटेड। यानी आपका बिजनेस प्लस आपके इन्वेस्टमेंट जो आपने अदर बिजनेस में किए हुए हैं, जो अदर आपके इन्वेस्टमेंट से आपको पैसा मिल रहा है, वो होता है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट। तो कई सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जो खुद तो कुछ ना कुछ काम करती ही हैं, लेकिन किसी और कंपनी को भी या तो खरीद लेती हैं, एक्वायर कर लेती हैं या उसमें इन्वेस्टमेंट कर देती हैं और वहां से भी उन्हें पैसा आने लगता है या रेवेन्यू आने लगता है, उसे कहा जाता है कंसोलिडेटेड। अब मैं आपको बताता हूं कि इससे कितना ज्यादा फर्क पड़ सकता है। यह है टाटा मोटर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब हम टाटा मोटर्स की स्टैंड अलोन सेल्स देखते हैं। तो स्टैंड अलोन सेल्स टाटा मोटर्स की साल की है लगभग 70,000 करोड़। अब देखते हैं कि JLR, लैंड रोवर और जैगुआर जो टाटा ने कुछ साल पहले खरीदी थी उसको मिला लें
तो 70,000 करोड़ की सेल कितनी हो जाती है? अब आप देखिए टोटल सेल उसको मिला के हो रही है 3,00,000 करोड़, यानी 70,000 करोड़ से बढ़ के 3,00,000 करोड़, 4 गुना से भी ज्यादा सेल हो गई। तो ऐसे में अगर आप स्टैंड अलोन स्टेटमेंट से टाटा मोटर्स को जज करेंगे तो हमेशा आपको गलत पिक्चर मिलेगी और आपको लगेगा कि ये कंपनी इतनी महंगी क्यों है। तो जरूरी है कि हम ज्यादातर समय कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स देखें, तभी हमें किसी कंपनी की सही जानकारी मिलेगी। अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट रेशियो पीबी रेशियो की, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। अब इसे समझने के लिए पी रेशियो की तरह ही, पी का मतलब तो शेयर प्राइस है, बी का मतलब क्या है? बी का मतलब है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब बिल्कुल ही आसान है, इसे भी हम उस दुकान के एग्जाम्पल से लेते हैं कि मान लीजिए एक दुकान है जिसमें टोटल, जिसकी टोटल वैल्यू 100 रुपये है, यानी उस दुकान को अगर आप बेचेंगे, वो खाली दुकान है लेकिन उस दुकान की आज सरकारी कीमत 100 रुपये है, वो 100 रुपये में बिक जाएगी। अब उस दुकान के 2 शेयर होल्डर हैं आधे आधे, एक आप और एक आपका दोस्त, तो अगर वो दुकान कल को बिकती है तो आपका शेयर कितने रुपए का होगा या कितना रुपए आपको मिलेगा? आपको मिलेगा 50 रुपए। तो उस दुकान की बुक वैल्यू पर शेयर हुई, क्योंकि 2 ही शेयर हैं, तो 100 / 2 उस दुकान की बुक वैल्यू हुई 50 रुपए। इसी तरह टाटा स्टील की बुक वैल्यू यहां दिख रही है 593। इसका क्या मतलब है कि एक शेयर के पीछे 593 रुपीज के एसेट या 593 रुपीज बैंक में पड़े हुए हैं, यानी अगर आज टाटा स्टील बिक जाए थ्योरेटिकली 553 रुपए हर शेयर होल्डर को मिलेंगे। अब एक शेयर है 277 का, तो अगर आज टाटा स्टील डिसाइड कर ले कि सब बेच देते हैं तो आपको 277 रुपीज के एक शेयर के बदले 593 रुपीज मिलेंगे। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब कोई कंपनी अपने एसेट्स, जो कि प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है, कारें हो सकती हैं, वो बेचने जाती है तो दाम उतना मिलता नहीं है और समय बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप समझने के लिए ये समझ सकते हैं कि 270 रुपये के शेयर के पीछे 593 रुपीज का कैश बैलेंस या एसेट कंपनी के पास है। तो बस यही है पीबी रेशियो, जिसमें प्राइस हो गया 277 / 593, तो जो आ रहा है 0.47। अब ये देख के लगेगा कि अरे 277 के पीछे 593 के एसेट्स, ये शेयर तो सस्ता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि पीबी रेशियो जो है या बुक वैल्यू जो है वो कुछ ही इंडस्ट्रीज़ में काम की है, हर इंडस्ट्री में काम की नहीं है। तो जब कौन सी इंडस्ट्रीज़ में काम की है? हैवी इंडस्ट्रीज़, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़, सीमेंट हो गया, पावर हो गया, इंफ्रा हो गया, इस तरीके की इंडस्ट्रीज़ जहाँ कैपिटल हार्ड एसेट्स में लगता है, प्लांट बनाने में, ज़मीन खरीदने में, वहाँ बुक वैल्यू काम आती है। बाकियों में काम क्यों नहीं आती? चलिए मैं समझाता हूँ इन्फो एज के एग्जाम्पल लेके। इन्फो एज अगर आपको नहीं पता तो naukri.com जो वेबसाइट है वो इन्फो एज की है, 99acres है, जीवन साथी है, जोमैटो में भी इनका इन्वेस्टमेंट है। अब यहाँ पे पीबी दिख रहा है 10 का, शेयर प्राइस है 2000, बुक वैल्यू है 200, यानी 2000 रुपये के शेयर्स के पीछे केवल 200 रुपये के एसेट्स रखे हुए हैं कंपनी के पास, तो ये तो बहुत महंगा है। 200 रुपये के जब एसेट्स हैं तो मैं 2000 में शेयर क्यों लूँ, ऐसा लगता है। अब जैसा मैंने बताया बुक वैल्यू में क्या आता है, कार, मशीनरी, प्लांट, फैक्ट्री, फर्नीचर, इस तरह की चीज़ें जिन्हें आप टच एंड फील कर सकें। लेकिन इन्फो एज के बारे में देखिए, ये 10 times प्राइस टू बुक वैल्यू में है, देखने में महंगी लग रही है ना, लेकिन यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो सही मापदंड नहीं है इसे जज करने का कि ये महंगी है या सस्ती। क्यों? एक सिंपल सा रीज़न है, इन्फो एज जो काम करता है, जैसे इन्फो एज का क्या काम है, वो एक ऑफिस में 500,000 लोगों को बिठाता है, वेब डेवलपर्स को, और वेब डेवलपर्स उनके लिए वेबसाइट बनाते हैं और सेल्स वाले उनके लिए सेल करते हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि इन्फो एज के हार्डकोर एसेट्स, टैंजिबल एसेट्स बहुत ज़्यादा नहीं है। इनका बिजनेस मॉडल ऐसा है कि इनको बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं खरीदनी, बड़े बड़े प्लांट नहीं डालने, बहुत ज़्यादा एसेट ज़मीन नहीं चाहिए। ऐसे में इनकी बुक वैल्यू जो है वो तो कम ही रहेगी, क्योंकि इनके पास एसेट्स तो ज़्यादा आए ही नहीं। इनको क्या ज़्यादा चाहिए? एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा चाहिए। तो एम्प्लॉयज़ जो हैं उन्हें अकाउंटिंग के हिसाब से एसेट नहीं माना जाता, एम्प्लॉयज़ को एक्सपेंस माना जाता है, एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी जाती है और सैलरी एक एक्सपेंस होता है। तो इस कारण, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को अकाउंटिंग टर्म में एसेट माना ही नहीं जाता, इसलिए इस कंपनी की बुक वैल्यू और सारी आईटी कंपनीज की बुक वैल्यू कम दिखती है। सेकेंडली आप एप्पल को ले लीजिए, अगर आप एप्पल को ऐसे तोलने जाएंगे कि इनके पास ज़मीन कितनी है, इनके पास प्लांट कितना है, इनके पास फैक्ट्री कितना है, इनके पास कितना फर्नीचर है, तो क्या वो एप्पल को मापने का सही तरीका है?
क्योंकि एप्पल की वैल्यू उसके ब्रांड से आती है। अगेन, ब्रांड को बुक वैल्यू में इंक्लूड नहीं किया जाता, केवल टच एंड फील वाले एसेट्स को किया जाता है। तो ऐसी कंपनीज जिनके ब्रांड बहुत स्ट्रांग है और जो ब्रांड के भरोसे बिकती है, आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाली कंपनीज, उनको बुक वैल्यू और प्राइस टू बुक वैल्यू से जज नहीं करना है। आईटी कंपनीज को प्राइस टू बुक वैल्यू से जज नहीं करना है। बैंक्स को बिल्कुल कर सकते हैं। बैंक्स में प्राइस टू बुक वैल्यू अच्छा काम आता है क्योंकि बैंक्स के पास फाइनेंशियल एसेट है, वो डिपॉजिट्स लेते हैं और लोन देते हैं, तो उसको बुक वैल्यू पूरी तरीके से सही सही कैप्चर करती है, इसलिए बैंक्स के लिए ये एक अच्छा रेशो है। स्टील प्लांट, पावर कंपनीज, ऐसी कंपनीज जो कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं बेचती, कमोडिटी बेचती है, जैसे सीमेंट। सीमेंट ऐसा नहीं है कि एक कंपनी का 300 रुपये होगा, एक का 600 होगा, मतलब सीमेंट में ब्रांड का इन्वॉल्वमेंट कम है। जैसे फोन्स में चाइनीज कंपनी का फोन 10-20 हज़ार का होगा, एप्पल का फोन लाख रुपए का होगा, मतलब 80,000 रुपए ब्रांड कमा के दे रहा है, लेकिन सीमेंट में 10-20 रुपए इधर उधर बोरी का फर्क होता है, सारा सीमेंट एक दाम पे होता है। तो सीमेंट में ब्रांड कमा के नहीं दे रहा है, प्लांट एंड मशीनरी कमा के दे रहा है, उस केस में प्राइस टू बुक वैल्यू बिल्कुल सही है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझे होंगे कि प्राइस टू बुक वैल्यू कैसे यूज करना है। इसका मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूं। यह है HDFC बैंक, देश के बेस्ट बैंक्स में से एक। इसको ज़रा कंपेयर करते हैं PB रेशो में इसके पीयर्स के साथ। तो अगर टिकर में आप पीयर्स पे क्लिक करेंगे तो एकदम से यह आपको कंपैरिजन पे ले जाएगा। और देखिए, HDFC बैंक बुक वैल्यू से 4 गुना प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक 6 गुना, ICICI 2 गुना, एक्सिस लगभग 3 गुना। इस तरीके से अलग अलग बैंक अलग अलग प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड करते हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि कौन सा बैंक सस्ता है, कौन सा महंगा है। लेकिन इसके बेसिस पे जो सस्ता दिखे उसे खरीद लेना है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बैंकिंग पे आगे चल के क्या क्या पैरामीटर्स देखने हैं, इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा, इंडस्ट्री वाइज भी मैं वीडियोस लाऊंगा कि क्या क्या पैरामीटर्स देखने हैं। लेकिन एक अच्छा पैरामीटर प्राइस टू बुक वैल्यू है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्राइस टू बुक वैल्यू समझ चुके होंगे। एक और डाउट लोगों को था पिछले वीडियो से रिलेटेड, कि अगर PE 0 है मतलब क्या, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 0 है मतलब क्या। इसका सीधा सा मतलब है कि वो कंपनी लॉस में है, उसकी अर्निंग है ही नहीं, इसलिए PE 0 दिख रहा है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन मैं हर रोज अगले 19 दिनों तक लाता रहूंगा ऐसे ही वीडियोस, और आपसे कल के वीडियो से आपको मिलेगा थोड़ा बहुत होमवर्क भी। तो आपको क्या करना है, आपको टिकर पे अपना एक अकाउंट ज़रूर बना लेना है, ताकि कल से जो मैं होमवर्क आपको दूं वो आप आसानी से कर सकें। और अकाउंट बनाने के साथ आप रेशोज ऐड कर सकेंगे, जो रेशो आप चाहें, और वो रेशो आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा जैसे ही आप ऐड करेंगे, और वो हमेशा हर कंपनी के लिए आपको यहाँ पे दिखता रहेगा। तो आप रेशोज ऐड कर पाएंगे, जो स्टॉक आपको पसंद आ रहा है उसे वॉचलिस्ट में बना पाएंगे, ताकि उस कंपनी से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट हो तो आपको मिलती रहे। तो आप अकाउंट बना के रखिएगा, ताकि कल से आप सारे फीचर्स यूज कर सकें, और जो मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस देता रहूंगा उसे ठीक से कर सकें। और इसके साथ ही आप हमारा अकेडमी ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां 1 साल तक लगातार मैं और मेरी टीम आपको सिखाएंगे अच्छे स्टॉक्स पिक करना। मैं लाता रहूंगा रोज इस तरह के वीडियोस। तब तक के लिए दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय।